एमएस યુનિવર્સિટીમાં ભરતી કૌભાંડના મામલે ભરતી કૌભાંડની માહિતી આપવા દરખાસ્ત કરાઈ સિન્ડિકેટ સમક્ષ કરવામાં આવી આ દરખાસ્ત આગામી 25મીએ સિન્ડિકેટની બેઠક મળશે ભરતી કૌભાંડ મામલે કેતન ઇનામદારનું નિવેદન કોઈ દોષિત જણાશે પગલાં લેવા રજૂઆત કરીશ માંગ્યા પ્રમાણે માહિતી નહીં મળે તો ધરણા કરીશું એમએસ યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય છે કેતન ઇનામદાર मानु चावड़ा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ाया छे। मानु, भर्ती कौभांड में शू अपडेट छे? निश्चित एमएस યુનિવર્સિટી में सिंडिकेट समक्ष जे भर्ती कौभांड की माहिती छे आपवा माटे दरखास्त करी छे, एटले एक अठवाडिया थी जे आंदोलन चाली रह्यु हतु, रजूआतो थई हती, एना तमाम खुलासा छे आ सिंडिकेट बैठक में थशे एवुं लागी रह्यु छे। 25मी ऑक्टोबर ना रोज सिंडिकेट की बैठक मळवानी छे अने एमां आ दरखास्त चढ़ावामां आवी छे। माहिती में जो कोई दोषित जणाशे तो पगला लेवा रजूआत करी छे, केतन ઇનામદારે पण कह्युं छे। केतन ઇનામદાર धारासभ्य छे अने सेनेट मेंबर पण छे अत्यारे, एटले एमने आजे आखी दरखास्त चढ़ावानी वात करी हती ने दरखास्त चढ़ावी, एटले सेनेटनी जे सिंडिकेटनी बैठक छे एनी अंदर आ मामले तमाम चर्चा थशे। जे सिंडिकेट सभ्योनी रजूआत हशे अथवा तो जे विगत मेळवानी छे ए पण आ भरती कौभाडनी विगतो छे बहार आवशे। माग्या प्रमाणे जो माहिती नहीं आपवामां आवे तो धरना करते अथवा तो मुख्यमंत्री के शिक्षण मंत्री सुधी पर केतन ઇનામદાર रजूआत करते एमने बात करी है। एटले 25मी ऑक्टोबरे जे मळनार सभा छे सिंडिकेटनी एमां तमाम खुलासा थाय एवुं अत्यारे हाल तो लागी रह्युं छे। जी निश्चित, बिल्कुल मानु, धन्यवाद जानकारी माटे।